एक पासे कैनेडा च 5 लाख प्रवासियों का स्वागत करने का टीचा मिथ्या जा रहा है, तो उधर ही दूजे पासे हुण कैनेडा च यह लिख के बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दरअसल इस वेले कैनेडा महंगाई की मार चल रहा, जिस कारण अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का रहना ते भोजन का प्रबंध करना मुश्किल हो गया, जिस करके विद्यार्थियों को कई थावां ते मुफ्त भोजन भी दिता जाता है। इस विचाले हुण ब्रैम्पटन च एक फूड बैंक ने यह लिख के बोर्ड लगा दिते कि इत्थे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का आना मना है। मीडिया रिपोर्ट्स मुताबक जदों इस बोर्ड लगाउण दा कारण फूड बैंक के अधिकारियों को पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विद्यार्थी बैग पा के उत्थे मुफ्त भोजन मंगना चाहते हैं। हालांकि कई विद्यार्थियों के अकाउंट 50 to 60 डॉलर होंगे ने, इसलिए उन्होंने ये बोर्ड लगाया। अधिकारियों का कहना है कि पैसे होने के बावजूद वो मुफ्त भोजन क्यों मंगन आते हैं। इस नाल ही कैनेडा सरकार दी हदायतों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कैनेडा पढ़ाई लिए आने वाले विद्यार्थी अपना खर्चा आप कर सकते हैं, तो अपने पैरों पर बच्चे कैनेडा आते हैं जिसलिए वो खुद जिम्मेवार ने, फिर वो मुफ्त भोजन मंगन क्यों आते हैं। दस दिए कि फूड बैंक ने अपनी खिड़की से कैनेडा सरकार स्टूडेंट्स लिए पॉलिसी की कॉपी लगाई है, जिस लिखा है कि अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी कैनेडा पढ़न आ सकते हैं जेकर वो DLI इंस्टीट्यूट चाहते हैं, तो यह सबूत उन्होंने देना पैंदा है कि विद्यार्थी कैनेडा च अपना खर्चा आप चुक सकते हैं, अपनी फीस अदा कर सकते हैं, तो जेकर उन्होंने कोई परिवारक मैंबर आता है तो उसका खर्चा भी खुद कर सकते हैं। दस दिए कि उधर फूड बैंक वालों लगाए गए इस बोर्ड की भी खूब निखेधी की जा रही है। Subscribe to One India channel and never miss an update.